करें उस पे। ऑल राइट, हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सार्वेंद, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मैं बहुत ऑसम मैनिपुलेशंस और फोटो क्रिएशन क्रिएट करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ यूट्यूब पे उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, और एक प्रीसेट और पीएनजीज के लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत ही इजीली से वो आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ट्यूटोरियल है ही आपके लिए हेल्प करने के लिए। सो, ये वीडियो है फोटो एडिटिंग चैलेंज 3 की जो मैंने हेल्ड करा था, और कुछ टाइम पहले मैंने स्टोरी डाली थी इसकी, तो आप सब ने पार्ट लिया है और अराउंड 300-350 मेल्स आई थी, तो उसमें से मैंने चेक करे हैं और 32 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करे हैं अपने पूरी सारी 350 ईमेल में से। सो, उनमें से कोई एक बेस्ट होगा जो विनर होएगा, सो उसको मैं स्टोरी शाउट आउट दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं कौन होगा विनर वो जानने के लिए। और स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले यहाँ जो फोटो आती है वो है AC प्रोडक्शन राहुल। सो, यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो चेक करी। सो, फोटो बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत ही डिसेंट वर्क कर रखा है अपनी फ़ोटो में आपने, क्लाउड्स के साथ बहुत अच्छा कर रखा है आपने, कटिंग अपनी अच्छी कर रखी है, और हेयर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड है, और आपकी लाइटनिंग भी बहुत अच्छे से ब्लेंड है जो मुझे बहुत पसंद आई आपकी फ़ोटो के अंदर। लेकिन जो एक प्रॉब्लम मुझे वो लगी है वो है नीचे आपके शूज़ में, जो आप देख सकते हैं शूज़ में जो आपकी वीडियो वो फ़ोटो का है उसमें पार्ट में सही नहीं आ रहा है वो, लाइक शेडो वहाँ अच्छे से क्रिएट नहीं है। तो आप अगर शेडो पे वर्क करेंगे तो फैंटास्टिक वर्क होगा आपका, और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा इंस्टाग्राम पे। सो, आप ज़रूर उस पर वर्क करें, और आपका आर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। अब नेक्स्ट आते हैं आदि इन वाटे। सो, इन्होंने भाई आपने बनाया इंडियन आर्मी पे कंसेप्ट, और इंडियन आर्मी को सल्यूट है, और मुझे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा जो आपने इंडिया के मैप को अरोड कर रखा है अपने फोटोशॉप से कराओ चाहे आपने किसी से भी कराओ, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये देखने में, तो पर्सनली माय बेस्ट मुझे ये लगा। सो, थैंक यू आपने इसमें पार्ट लिया और ये फ़ोटो को भेजा। सो, हार्ट से सैल्यूट है। सो, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। सो, AJ अनमोल 2 ब्रो, आपने बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी है, लेकिन इसमें मुझे बस एक प्रॉब्लम खटकी है, वो है कि आपने जो कटिंग कर रखी है आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे शर्ट की जो कटिंग है आपने वो बिल्कुल क्लियर नहीं करी है, आप कहीं भी एक पॉइंट भी छोड़ देते हैं तो वो दिख जाता है कटिंग में, और जैसे आपने मेल कराया मुझे तो मेल में तो मुझे साफ ही दिख जाएगा, तो मैं इतनी छोटी बारीकी पॉइंट को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं और आप उसे ज़रूर इम्प्रूव करेंगे अपने फ्यूचर में, और कोई भी अपने में मिस्टेक ना छोड़ें इमेज में, गलती से छूट जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसे नेक्स्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा वर्क करा है और थैंक यू आपने पार्ट लिया ब्रो इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, AK एडिट्स। सो, ब्रो आपकी मुझे एड बहुत ही अच्छी लगी, और इसके अंदर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो थी जब आपने हेयर्स में यहाँ कटिंग कर रखी थी तो वो फ्रिंजेस क्रिएट हो गए थे, तो आपको फोटोशॉप के अंदर अगर आप कटआउट करते हैं या पिक्सआर्ट में करते हैं किसी में भी करते हैं तो डीकंटेमिनेट कलर ना करें, क्योंकि डीकंटेमिनेट से आपके हेयर्स खराब होते हैं और उनमें जस्ट फ्रिंज डीप आ जाते हैं, जस्ट कटिंग करें और फिर खुद हेयर ड्रॉ करें वो बेटर रहेगा, और आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं मेरे चैनल पर डला हुआ है हेयर्स के लिए, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज ग्रैस्प होगी और आप ज़रूर चेक करें। सो, आपकी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी ली, सो थैंक यू आपने पार्ट लिया। और नेक्स्ट बढ़ते हैं बबल राज प्रो, आपकी फ़ोटो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और कटआउट में भी बहुत अच्छे हो आप, और रिम लाइट आपकी अप टू दी मार्क नहीं है, बस रिम लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप रिम लाइट पे अच्छे से वर्क कर देते तो ये फोटो फैंटास्टिक होती यार, मेरे लिए पर्सनली माय बेस्ट होती, और मुझे लगता है कि भाई आप बहुत अच्छी एडिट करेंगे। सो, कीप क्रिएटिंग और कीप ग्रोइंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत एडिटिंग जोन ब्रो, आपकी फ़ोटो मुझे बहुत ही बेस्ट इस केस में लगी कि आपने कटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है और ब्लेंडिंग
टू दी मार्क भाई, आपने बहुत अच्छी करी है, लेकिन बस मुझे एक जगह खटक गई। आपने पैर की शेडो भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखी है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जब आप हेयर में स्मूदनिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, जो देख सकते हैं आप, अगर आप हेयर में स्मूदनिंग इफेक्ट डाल रहे हैं तो आप हेयर्स के टेक्सचर को पूरा रिउन कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो उस पे ज़रूर वर्क करें। आपको हेयर कटिंग सीखना चाहिए। आपने ड्रॉ कर रखे हैं पेंसिल स्टिक, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे हेयर स्ट्रैंड्स, लेकिन उसको आप पहले से ही हेयर को अच्छा करो। अगर नहीं है वहाँ पे, मतलब हेयर सही से नहीं है, तो पैच टूल से भी आप रेफर ले सकते हैं। अगर फिर भी ही सही नहीं होते तो उस हेयर को एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल अच्छे से आपसे कट आउट नहीं होते तो ट्राई करें कि आप वहाँ कुछ और ऐड कर दें, लाइक बर्ड्स, कुछ भी क्लाउड्स व्लाउड्स जो भी हों, कि वो ओवरलैप हो जाए और वो छुप जाए वहाँ पे। एडिटिंग जस्ट यही होता है, जो कमी खामी होती है फोटो में वो हमें छुपानी होती है, और एक आइडियलिस्टिक वे में छुपानी होती है जिससे रियलिज्म अचीव हो। तो आप कर सकते हैं और आपकी फ़ोटो में मुझे बहुत अच्छे से दिखता है। और स्क्रीन पे मिक्सर ब्रश ना यूज़ करें, डॉजन बर्न या फ्रिक्वेंसी सेपरेशन ट्राई करें। ब्रो आपकी इमेज बहुत ही बेस्ट लगी मुझे। सो नेक्स्ट है विकास कुमार भाई, आपकी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जैसे आपने सुशांत सिंह को पीछे रख रखा है अपनी हर फोटो के अंदर, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फेवरेट एक्टर था मेरे वो भी, मुझे धोनी वाली मूवी में बहुत अच्छा लगा एक्टिंग उनका। और जो आपने कर रखा है वो बहुत सही है, लेकिन जब आप एक वॉल के पास बैठे होते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो जो वो आप चेयर पे बैठे हुए हो उस चेयर के अकॉर्डिंग आपका बॉडी टू रेशियो बहुत अजीब सा है, तो वो बॉडी टू रेशियो को ज़रूर चेक करें, क्योंकि एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ इतना बड़ा नहीं दिख जाता है। सो साइड में टेबल भी है, तो अगर मैं कंपेयर करूं फोटोज़ में तो मेरे को ये दिख रहा है कि जो लैपटॉप है वो टेबल से ज़्यादा बड़ा है, तो लैपटॉप यार 15 इंची का होता है। थोड़ा आइडियलिस्टिक वे में देखें इस फोटो को और ज़रूर इम्प्रूव करें। आपकी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जस्ट मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि आप अच्छे से हर चीज़ से और हर वे में चेक करें फ़ोटो को, ठीक है। नेक्स्ट है दीप शटर सरप्राइज। सो ब्रो की फ़ोटो है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपका, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगा, और इसमें आपने लाइक मूडी टोन दे रखा है, और मूडी टोन मुझे बहुत पसंद आता है, मैं पर्सनली मेरे को बहुत ही फेवरेट लगता है। आपने अच्छे से अचीव कर रखा है, और यहाँ पे जस्ट मुझे थोड़ी सी पता है क्या प्रॉब्लम मिलेगी, कि आपकी हेयर फ्रिंजिंग बहुत होती है। हेयर फ्रिंजिंग यार इसे सही करें, थोड़ा ड्रॉ कर दें उसी के ऊपर, या मास्क जब आप करते हैं तो उस पर ब्लैक पेंट कर दें, ब्लैक पेंट से भी वो सही हो जाता है। तो हेयर ट्यूटोरियल ज़रूर वॉच करें ब्रो, मुझे हर किसी के में लगता है कि हेयर बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये स्किन स्मूथनिंग करते हो अपने बाजू पे या यहाँ पे, तो इससे कलर डिसबैलेंस भी होते हैं, जब आप मिक्सर ब्रश यूज़ करते हो कि काला कलर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है या कोई और कलर आ जाता है स्किन कलर, तो इसे ज़रूर चेकआउट करें और इसको ज़रूर दूर करा करो। अगर आप नहीं करते हो तो इससे आपके स्किन में अजीब से जैसे वियर्ड इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये क्रिएट होता है, आप एक लाइन से पेंट करें डायरेक्ट सीधा ऐसे अप एंड डाउन, सो उससे बिल्कुल एक क्लियर और एक अच्छी फिनिश आएगी। सो आप थोड़ा इस पर वर्क करें तो आपकी इमेज और बेस्ट रह सकती है। और थैंक यू भाई आपने पार्ट लिया। उसके बाद आते हैं ड्रैगो देव। ब्रो का लॉक एंड की का कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे लॉक एंड की का कंसेप्ट, लेकिन जो आपकी नेक है यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हैं, यहाँ कलर अलग हो गया है, आपका स्किन कलर और लाइक जो नेक कलर है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ आप मास्क डाल के उसे फैदर आउट कर सकते थे अच्छे से, तो ये और अच्छा लगता। सो नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ आगे। और कंसेप्ट सही था ब्रो आपका, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है ब्रो, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है आप करोगे, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने डेवलप कर रखा है। सो वर्क करो और टाइम दो इस चीज़ को, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक एडिटर भाई हैं, विद हॉर्स वाला कंसेप्ट है इनका, सॉरी गलती से उसमें खुल गया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कंसेप्ट, आपने कटिंग भी बहुत अच्छे अप टू दी मार्क कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है,
और आपने यहाँ पे जो कहते हैं कि फील्ड्स में जो ग्रास होती है उसको भी अच्छे से ब्लर करके आपने अपने आगे रख रखा है, तो वो डिटेल मुझे बहुत ही नोटिसेबल और अच्छी लगी। अगर किसी को नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंड के पास आपको दिख जाएगी, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और आपने रेशियो भी, बॉडी रेशियो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने कलर का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है। सो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है, और ऐसे ही क्रिएट करते रहें, ज़रूर आप आगे बहुत जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्रो जी निखिल ऑफिशियल। सो भाई का कंसेप्ट है लाइक आईज में से कुछ ड्रॉप्स गिर रही हैं और फ्लावर पे गिर रही हैं, तो ब्रो आपका फ्लावर नकली लग रहा है, अगर मैं झूठ ना बोलूँ अपने साइड से। उस फ्लावर पे आप वर्क करें और थोड़ा उसे रियलिज्म अचीव कराएं ब्रो, अभी अप टू दी मार्क नहीं है। आपका बैकग्राउंड भी सही नहीं है, वो थोड़ा ब्लूमी टाइप लग रहा है, तो आप गॉजियन ब्लर जरूर यूज करें। हर्ष योरिलिज्म ब्रो, आपका डार्क क्रो वाला कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इनोवेटिव और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, देख सकते हैं। लेकिन जो आपने यहाँ कटआउट कर रखा है आदमी के, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं है, उसे क्लियर करें और स्मूथ करें। लाइक 50% ब्रश के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ कट हो जाएगा वहाँ पे, और आपको रिम लाइट ड्रॉ करने में बहुत ही ईजी रहेगा। सो एक प्रो टिप थी ये, अगर आप समझ गए हो तो ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। और हाथों पे भी थोड़ा, यहाँ आप देख सकते हैं हाथ भी गायब हैं, तो ज़रूर वर्क करें। एंड नेक्स्ट है इरफा विलॉग। ब्रो मैंने आपकी फ़ोटो इसलिए सेलेक्ट करी थी, मुझे लगा कि जो आपने कमी छोड़ रखी है फ़ोटो में, वो हर कोई करता है, हर दूसरा या तीसरा बंदा वो कमी छोड़ देता है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप सब नोटिस करें जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं। सो यहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं पैरेट में यहाँ ब्लेंड और कटिंग अच्छे से नहीं हो रखी है, तो ये कटिंग ज़रूर करें। फिनिशिंग जब तक आप नहीं देंगे अपने प्रोडक्ट में, तो वो अच्छे से नहीं जाएगा, चाहे आप इमेज रखें चाहे कोई सी भी चीज़ रखें, फिनिशिंग नहीं होगी तो कोई नहीं देखना चाहेगा, और फिनिशिंग होगी तो हर कोई देखेगा। सो यहाँ पे ज़रूर आप वर्क करें। फिर नेक्स्ट है जायू गाजर। प्रो का कंसेप्ट है, 1 मिनट, फ्लावर्स के साथ है रोज, रेड रोज प्रो, अच्छा लगा मुझे ये कंसेप्ट आपका। लेकिन आप देख सकते हो जो आपका नॉइज़ है, आपका नॉइज़ का लेवल फोटो का और जो रोज़ है उसका नॉइज़ का लेवल बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो आप नॉइज़ पे ज़रूर वर्क करें। जब आप PNG इंपोर्ट करते हैं तो उस पे नॉइज़ ज़रूर डालें, ऑप्शन होता है यार हमेशा, आप चेक करें ज़रूर, और तभी अच्छे से ब्लेंडिंग अचीव होती है, जब तक आप नॉइज़ लेवल को फोटो में मैच नहीं करते हो। कई बंदों के नॉइज़ लेवल मैच नहीं होते, नॉइज़ लेवल पे मैं वीडियो लाऊंगा जो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, और ब्लेंडिंग में तो खास कर होती हो। नेक्स्ट है JR एडिट्स प्रो के, बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे ये, आपने भाई दिल जीत लिया। ये वाला कंसेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने देख रखे हैं ब्रो, और लाइक इसमें आपने बहुत ही अच्छा से रियलिज्म अचीव कर दिया है ब्रो, और रिम लाइट में थोड़ा सोच के ब्रो, लाइक अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं कहीं से, तो जब एक गन मजल फायर होता है जैसे आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, तो मजल फायर आपने सही ड्रॉ कर रखा है, यहाँ तक होगा हाथ के, मजल इतनी देर तक नहीं आती है कि आपकी पूरी बॉडी पे आ जाए उसके रिम लाइट, तो थोड़ा सा रिम लाइट में देखें। मैं भी सीख रहा हूँ, जिस मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं तो अच्छी दिखेगी रिम लाइट। अगर आप हाथ के यहाँ तक रखते, हाफ हैंड तक रखते, और इस हैंड पे ड्रॉ नहीं होगी रिम लाइट, ज़्यादा नहीं होगी, लाइक यहाँ पे ही होगी, इन पे यहाँ तक आएगी बस, ठीक है। और जो लेग्स पे ड्रॉ है ब्रो, वो थोड़ी ऑड लग रही हैं, आप ज़रूर देखें रिम लाइट्स, लाइक किसी का आप रियल में देखें वीडियो, तो उसमें मजल फ्लैश आपको दिखेगी, तो आप ज़रूर वो नोटिस करना कि कहाँ कहाँ रिम लाइट बन रही है उससे, फिर ड्रॉ करना, तो इससे आपको रियलिज्म बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। और हैट्स ऑफ ब्रो, आपने बहुत अच्छा काम करा इस बार, ये फोटो मुझे बहुत ही पसंद आई आपकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैफ खान ऑफिशियल। ब्रो ब्रो आपने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है, जो मेरे को लगा
लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम थी, आपने हर चीज़ अच्छे से रियलिज्म रखी, रिफ्लेक्शन रखे आपने, क्लाउड के भी रिफ्लेक्शन रखे आपने, माउंटेन्स के भी रखे हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन बस एक चीज़ की जो कमी थी वो थी आपके लैग के नीचे शेडो नहीं है ब्रो, कम्प्लीटली ब्लंट हो गई वो चीज़। लेकिन मैं जानता हूँ भाई आप पिक्सार्ट पे एडिट करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और पिक्सार्ट में जब भी आप एडिट करते हो तो यार ये सब चीज़ों की ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप फोटो पोस्ट कर देते हो तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने फोटोशॉप से करी है, ऑटोडेस्क से करी है, किसी एनी अदर एडिटर से करी है। लेकिन मस्ट ब्रो, आप इस पे वर्क कर लो, अमेजिंग, और 10 के होने वाले हैं ब्रो, कॉन्गो। फिर आते हैं ब्रो कमल ग्रेवाल भाई का कंसेप्ट, मुझे आप बहुत ही अच्छा लगा, आपने नीचे से ऊपर तक आने में बहुत मेहनत करी, और मैं आपकी फोटोज़ देखता रहता हूँ, और जस्ट मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना इम्प्रूव कराया अपनी एडिटिंग में कि लगता है यार आपको शाउट आउट देना चाहिए। ठीक है ब्रो, और आप रिम लाइट पे थोड़ा और वर्क करें, रिम लाइट कभी भी डार्क कलर में नहीं होती है, वो सॉफ्ट लाइट कलर में होती है हमेशा, तो रिम लाइट पे भी ज़रूर वर्क करें, और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए ब्रो, आपको समझ में आ जाएगा। सो बढ़िया है, आपने फोटो बहुत अच्छी क्रिएट कर रखी है। उसके बाद आते हैं करण कुमार ब्रो का कॉन्ज्यूरिंग 3 का कंसेप्ट है, और मुझे अच्छा लगा ये कंसेप्ट, लेकिन आपने जो मार्क्स होते हैं चेहरे पे वो अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रखे हैं। मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं चैनल पे जिनमें मार्क है मेरे चेहरे पे यहाँ पे, तो मैंने उसे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग दे रखी है, तो आप वो वॉच करें, उससे आपको थोड़ी बहुत इन्फो जरूर मिल जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद मंगलम एम ब्रो, ब्रो आपका ये कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक फ्लोटिंग इंस्टाग्राम पे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था आपने, बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है, इसमें लाइट्स अच्छे से हैं, लेकिन जो कटिंग है इंस्टाग्राम लोगों की, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली नीचे, तो ये थोड़ी सी एज में प्रॉब्लम है, लाइक लाइट है या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है, तो उसे ज़रूर कटआउट या अच्छे से क्रिएट करें तो ये और अच्छी लगेगी। सो थैंक यू भाई, आपने पार्ट लिया मेरे इस एडिटिंग चैलेंज में, और नेक्स्ट टाइम मानव शेयर ब्रो का एंटर श्योरिज्म चैनल है, चैनल कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पेज है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, और ब्रो बहुत अच्छे अच्छे आर्ट डालते हैं उस पर, और खुद की आईडी पे भी भाई के बहुत अच्छे अच्छे आर्ट हैं, और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ भाई को, और यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पूरा अच्छे से देखा है, और ये लाइक सकिंग आउट का कंसेप्ट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने भी ट्राई करने की सोची थी, लेकिन जस्ट इसमें चेहरा नहीं दिखता है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता इसे, और ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम लगी, वो है कि रिम लाइट, अगर आपकी फ़ोटोज़ में रिम लाइट की कमी है तो यार थोड़ी सी मुझे खलती है, क्योंकि मैं बहुत ही डीप फोकस रहता हूँ रिम लाइट या कलर कलर पे, और प्ले करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर फोटो में पॉइंट आउट कर देता हूँ रिम लाइट, आपने बहुत अच्छे से कर रखी है यहाँ पे, सो हैट्स ऑफ ब्रो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट है नमन नावले ब्रो, आपने ये पोर्टल वाला बहुत ही अच्छा रखा है कंसेप्ट, मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी थिंकिंग रखी है, और लाइक कटिंग अच्छे से करें ब्रो, आप हेयर्स में छोड़ देते हैं, पैर के पास छोड़ देते हैं, और हैंड्स जहाँ आपने रखे हैं वहाँ आप देख सकते हैं डीप ब्लैक है, तो वहाँ हैंड्स को भी ब्लैक करें, उसके ऊपर मास्क डाल के पेंट करें उसके ऊपर, तो उससे रियलिज्म और अचीव होगा। ठीक है ब्रो, टिप नोट कर लेना। उसके बाद आते हैं ब्रो पिक्सल स्नैप भाई, तो इंडियन टोनी मैफावड है ब्रो, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ ब्रो, आपने टोन बहुत अच्छे से अचीव कर रखी है। जस्ट पता है प्रॉब्लम कहाँ है, टोनी मैफावड के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं नॉइज़ में, तो वो नॉइज़ से आप ज़रूर प्ले करें, क्योंकि आपकी फ़ोटो में कहीं नॉइज़ नहीं है, वो नॉइज़ से बहुत अच्छा प्ले करता है, तो यार आप नॉइस पे थोड़ा फोकस करें, तब जाके आपको टोनी मैफर्ड के लाइक कलर्स अच्छे से अचीव हो जाएंगे, और बहुत ही इजी है ब्रो वो करना, कर सकते हो, नियर बाय भी हो आप। नेक्स्ट है राहुल समाल 18 ब्रो, लाइक आपने पिछली भी बार भी पार्ट ले रखा है शायद, मुझे याद आ रहा है, तो ब्रो आप जब ये आप चेक करें, जब आपने यहाँ हैट
क्रिएट कट आउट कर रखी है, तो उसे लिक्विफाई टूल से अंदर प्रेस कर दें, लाइक कंप्रेस कर दें और एक शेप में लेके आएं, और कैप को हमेशा शेप में रखें। लिक्विफाई टूल को मैं भी एक्सप्लेन करूँगा वीडियोस में डाल के, लाइक अभी तो मैं पिक्सआर्ट डाल रहा हूँ, फोटोशॉप के भी बीच बीच में आते रहेंगे जो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और क्रिएटिविटी के लिए ब्रो 100 out of 100, आपने ये पिक्सआर्ट टाइप वाली क्रिएटिविटी कर रखी है जो मैं देख रहा हूँ। ये शायद पिक्सआर्ट में थी ना ये लाइनिंग वाली, तो मुझे ये सही लगा। और थोड़ा रिम लाइट पे भी बैक पे वर्क करें, उससे आपकी फोटो एनहेंस होगी। नेक्स्ट है ऋषभ प्रधान 6448। ब्रो आपने बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है, और लाइक रिम लाइट पे आप मुझे वेल कंसंट्रेटेड लगते हो, मैंने आपकी फोटोज देखी हैं, तो आप रिम लाइट पे वर्क करना चाहते हो, लेकिन रिम लाइट लाइक ओवर डूइंग से नहीं होती है, जस्ट थोड़ा सा सोचो, लाइट्स अपने हैंड पे घेरो या किसी और ऑब्जेक्ट से, फिर उसे स्टडी करके देखो लाइक कि यहाँ पे लाइट ऐसे पड़ रही है, इधर कैसी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से आप लर्न करोगे तो आपको आ जाएगी अच्छे से। और फोटो ब्रो आपकी बहुत अच्छी लगी, ब्लर का भी यूज करो, ठीक है ब्रो। उसके बाद आते हैं रिट्स बोए। ब्रो ये कंसेप्ट मैंने शायद इंस्टाग्राम पे कहीं और भी देखा है, लेकिन तब भी आपने बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है। जो वो पर्सन था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था, मुझे थोड़ा बहुत याद है, और इसमें रियलिज्म का थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि चिन शेडो चिन रिम लाइट जरूर बनती है जब नीचे से लाइट आ रही होती है, तो चिन बहुत मेन होता है, तो चिन पे जरूर वर्क करें। और जो आपने यहाँ पे रॉड पकड़ रखी है, रॉड नहीं इसे कुछ मैजिकल रॉड कह सकते हैं, तो इसकी रिम लाइट आपने अंगूठे पे ड्रॉ कर रखी है, लेकिन आपने फिंगर्स पे ड्रॉ नहीं कर रखी है, तो वो उसे ज़रूर चेकआउट करें और ज़रूर अच्छे से वर्क करें उस पे। गिरा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टैप फॉर एडिट ब्रो का है। ब्रो मुझे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि आपने लड़की बाहर का यूज़ कर रखी है। ब्रो बाहर के चीज़ों पे या बाहर की लड़कियों पे कुछ वो मत करो, अपनी फ़ोटो ट्राई आउट करो, वो ज़्यादा बेटर रहती है। सो जब तक आप अपनी फ़ोटो नहीं ट्राई आउट करोगे, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी फ़ोटो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, ठीक है ब्रो। उसके बाद आते हैं तरुण पुष्पार्ट फोटोग्राफर। लाइक ब्रो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आपने जो बिल्डिंग्स यूज़ कर रखी हैं नीचे ये वाली, तो वो थोड़ी नकली लगी मुझे, फर्जी अगर मैं अपने टर्म में कहूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो यहाँ आप थोड़ी मैनहैटन सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, कोई सिटी को रेफर करते तो यहाँ पुट करते तो वो और अच्छा लगता। सो टिप है ब्रो, आप मतलब यूज़ करें अच्छे अच्छे PNGs और फोटोज़। तेजस कानेकर ब्रो को मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन कटिंग अच्छी नहीं है ब्रो, ये सुन के थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गया कि आपकी कटिंग साफ नहीं है हेयर्स पे। ब्रो इस पे ज़रूर वर्क करो आप। और जब आप PNG इंपोर्ट करते हो, ये ड्रैगन्स की PNG है, तो इनमें भी ब्लर होगा, क्योंकि ब्रो ड्रैगन्स इतने छोटे तब दिखते हैं जब बहुत दूर होते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स हमसे लाइक रेशियो में भी लगाओ तो बहुत ही बड़े होते हैं, 20-30 गुने बड़े होते हैं, तो ब्लर जरूर होगा, तो वहाँ गॉसियन ब्लर जरूर पुट करें, चाहे आप पिक्सआर्ट से करते हो, चाहे किसी से भी, पिक्सआर्ट में भी गॉसियन ब्लर होता है ब्रो। सो प्रो टिप है, आपकी कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जस्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट होता है ना टेस्ट का, वो ऐड करना रह रहा है, ठीक है ब्रो। उसके बाद दिस इज गणेश भाई। इस बार मैंने आपकी फोटो इसलिए सेलेक्ट करी है कि आपने कलर्ड विंग्स यूज कर रखे हैं, और वो आपके डेनिम जैकेट से मैच हो रही है। मैंने वाइट देखे हैं, ब्लैक देखे हैं बस, लेकिन ऐसे कलर्ड विंग्स नहीं देखे हैं मैंने। फर्स्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा हूँ किसी के एडिट में लाइक कलर्ड विंग्स। मैं भी ट्राई करूँगा इन फ्यूचर, देखूंगा कि कैसे लगते हैं मेरे पे भी। और कटिंग पे थोड़ा ध्यान दें ब्रो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सॉफ्ट एज कटिंग है, तो यहाँ आप हार्ड राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लाइक हार्डनेस आप रखें 85 to 95, फिर कटिंग करके देखें, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।
उसके बाद है विकी सेज सेज ऑन द बीट, शायद मैंने सुना है ये ट्रैक व्रैक। सो आपका हैरी पॉटर टाइप कंसेप्ट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। सो ऐसा कंसेप्ट लोग बहुत कम सोचते हैं और क्रीपी टाइप, और जो मुझे अच्छा लगे मैं देखते ही मैंने सेलेक्ट कर लिया था जो आई से अट्रैक्टिव लगता है। और आपने दो वर्जन भेजे थे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो लैंडस्केप चुना है मैंने क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स दिखती हैं, हर किसी को समझ में आना चाहिए। सो आपकी यहाँ नेल्स पे कटिंग बहुत ही पुअर है, लेकिन उसे आप इंक्रीज करें, अच्छे से करें। जब आप पेन टूल यूज़ करेंगे तो उससे आप बहुत अच्छे से कटिंग सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप क्विक सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, पेन टूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपने रिम लाइट भी अच्छे से क्रिएट कर रखी है, लेकिन उसे रिम लाइट को पैर पे भी ड्रॉ करनी होती है, और जो नीचे है जो बंदा लेटा हुआ है उस पर भी आपको रिम लाइट वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एक ग्लो डाला है जो स्टिक में है, तो स्टिक से जो ग्लो आता है वो भी आपको दिखाना है कहाँ कहाँ जा रहा है। सो इसका ज़रूर ध्यान रखें, उससे रियलिज्म और एनवायरनमेंट आपसे ब्लेंड होता हुआ अचीव होगा। नेक्स्ट है विग्नेश एडिटर ब्रो का, भाई का थॉर का कंसेप्ट है और मैंने देखी है भाई की मैनिपुलेशंस, आपकी देख रखी है मैंने, बहुत अच्छी हैं आपकी मैनिपुलेशंस, लेकिन एक चीज़ की कमी है, बस वो है कि आप रिम लाइट अच्छे से नहीं ड्रॉ करते हो। लाइक आपने कर तो रखी है यहाँ पे ड्रॉ, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है लेकिन कॉलर पे ड्रॉ करी है, फिर नीचे ये वाली जगह पे भी ड्रॉ करनी होती है ब्रो। आप टू दी पॉइंट हो, अच्छे हो, लेकिन उस पॉइंट पे भी ड्रॉ करो जहाँ पे लाइट होती है, क्योंकि लाइट कभी ऐसे नहीं पड़ती बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पे, वो स्प्रेड होके पड़ती है। तो स्प्रेडनेस का आपको मतलब समझ जाओ और इसे थोड़ा और एनहेंस करो और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ ब्रो, आप एडिटर बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट है ब्रो यश एक्स वाई जेड, और इनका एक कंसेप्ट है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कितने अच्छे से ब्लेंडिंग क्रिएट कर रखी है पूरी फोटो में, जो मुझे बहुत ही पसंद आई। और लाइक आपने लाइक ओवर डू कर दिया थोड़ा सा रिम लाइट को, रिम लाइट कभी भी सेम एज बैकग्राउंड कलर की नहीं होती है, वो थोड़ी लाइट होती है कलर में, तो आपने ऑरेंज कलर डायरेक्ट ही पुट कर दिया। अगर आप इसमें रिम लाइट नहीं भी डालते तो भी ये फोटो बहुत अच्छी लगती और पर्सनली माय बेस्ट होती, लेकिन थोड़ा रिम लाइट में आपने गड़बड़ी कर दी, लेकिन ट्राई आउट करना सही है। थोड़ा सा वर्क करें और एक्स्ट्रा ग्लो ना डालें किसी भी लाइट पे, वो पहले से जितना ग्लो करती है वो इनफ होती है और वो नेचुरल होता है। नेचुरल को अगर आप बूस्ट अप करके कहीं लेके जाओगे तो वो फ़ायदा नहीं देगी। सो माइंड करें कि आप अच्छे से रिम लाइट अच्छे से क्रिएट करें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने शेडो रिम लाइट हैंडल पे क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पे जस्ट हैंडल तक नहीं आती, वो यहाँ पे इसके हेड पे ही रहती और यहाँ नीचे थोड़े लोअर पार्ट पे रहती, तो थोड़ी थोड़ी ड्रॉ होती। बहुत ही सॉफ्ट ब्रश से ड्रॉ करें और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मुझे लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेके आएंगे। सो थैंक यू आपने पार्ट लिया, और जितने भी लोग जिन सब ने इसमें पार्ट ले रखा है, सो आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और विनर को मैं ज़रूर स्टोरी शाउट आउट दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि कौन विनर बना है। और ये वीडियो थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगी, जैसे ही एडिट वेडिट करके मैं डाल दूंगा तो आज शाम तक शायद आप सबको देखने को मिल जाएगी। और जस्ट पीस और क्रिएटिंग करते रहें, और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो Q&A है वो होने वाला है, क्योंकि मेरे 20K फॉलोअर्स हो जाएंगे शायद आप सबका सपोर्ट रहा तो। सो जरूर सपोर्ट करें मुझे इंस्टाग्राम पे, और थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें, जैसा आपको फील हुआ कि आपने क्या है क्या क्रिएट कर रखा था क्या नहीं है, तो आपके रिव्यूज़ जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट। There's dirt on my head.